इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ऑप्शंस में जो भी मतलब बहुत लोगों के डाउट रहते हैं कि किस तरीके से हमें स्टैक प्राइस का सिलेक्शन करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि स्टैक प्राइस का सिलेक्शन पे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं कि कौन सा प्राइस सिलेक्ट करना है, अभी हमें बाय करना, मतलब बहुत ज़्यादा हमें ट्रेड मिल रहा था, अभी उस पर हमें कैसे बाय करना है या फिर कैसे चीज़ों को हमें सेलेक्ट करना है, तो उन्हीं चीज़ों को लेकर हम इस पर बात करेंगे। तो अभी क्या करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना सो दैट कि इस वीडियो में आज सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं कि हमें ऑप्शन में जब भी हम बाय कर रहे हैं ना या शॉर्ट कर रहे हैं तो हमें प्रीमियम को कैसे चुनना है या मेरी स्ट्रेटजी क्या रहती है कि मैं यही क्यों चुन रहा हूँ। ठीक है, तो उसके पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। अब उन रीजंस को कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है, क्योंकि ऑप्शन में जब भी हम काम कर रहे होते हैं ना बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं उन्हें, टाइम अफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, एक मार्केट का ट्रैवलिंग अफेक्ट कर रहा होता है कि ट्रैवल करेगा तब जाके वो कितना बढ़ेगा क्या नहीं, तो इन सारी चीज़ों को दिमाग में रखते हुए ही हमें किसी ऑप्शन को बाय करना होता है या शॉर्ट करना होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि सबसे पहले हमें ऑप्शंस में किस तरीके से सिलेक्शन करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि आपको नॉर्मल सी जो भी चीज़ें हैं जानकारी है मार्केट की, मतलब कि ऑप्शंस में जो प्रीमियम जो होते हैं वो डिके होते हैं टाइम के साथ, मैं मानता हूँ कि ये सारी नॉलेज आपको होगी। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अभी मार्केट जो है वो मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ, थोड़ी सा वहाँ पे थोड़ा क्लियर होगा कि किस तरीके से मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए कि अभी मान लीजिए ये मार्केट चल रहा है, ठीक है, मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी यहाँ पर है, इस लाइन पे है, मुझे लग रहा है यहाँ पे रेजिस्टेंस है। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, इस यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया था तो यहाँ पे दोबारा आ गया मार्केट, मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे दो ऑप्शन मेरे पास बन जाते हैं, या तो मैं पुट को बाय कर लूँ, ठीक है, या तो मैं कॉल को शॉर्ट कर दूँ। ठीक है, दो ऑप्शन बन रहे हैं, तो मेरे पास ज़्यादा पैसा होगा तो सिंपल सी बात है कि मैं कॉल को शॉर्ट करूंगा, मेरे पास कम पैसा होगा तो मैं पुट को बाय करूंगा। ठीक है, अब मैं हूँ तो मेरे पास अगर पैसा ज़्यादा है तो मैं किसको चुनूंगा, मैं सिंपल सी बात है मैं कॉल को शॉर्ट करना पसंद करूंगा। ठीक है, और कम पैसा होगा तो पुट को बाय करना पसंद करूंगा। अब लेकिन पुट को अगर चल रही है, मान लीजिए कि मैं बाय करना चाहता हूँ, ठीक है, इसको मैं बाय करना चाहता हूँ, तो मुझे किसका सिलेक्शन करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन मुझे करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट करते वक्त गाइस जो क्या होता है, ऑप्शन चेन होती है। ठीक है, एक ऑप्शन चेन होती है, मैं बता दिखा देता हूँ, अभी तो मैंने लॉगिन नहीं कर रखा बट मैं इसी में लॉगिन करके दिखा देता हूँ आपको कि ऑप्शन चेन में कैसे सेलेक्ट करना है उस स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ऑप्शन चेन को हमें कैसे सेलेक्ट करना है। ये मैंने अपस्टॉक्स का अकाउंट लॉगिन कर लिया और अब इधर क्या करते हैं, ऑप्शन चेन में चलते हैं, इसकी ऑप्शन चेन ये रही, देखिए ऑप्शन चेन में हम आ गए। अभी क्या करते हैं, देखो ये देख लेते हैं कि किस तरीके से मोमेंटम और किस तरीके से हम कैच करना है। देखो अभी फ्राइडे का दिन है जो क्लोज हुआ था, तो ये 560, ये 512। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मेरे पास बहुत ही ज़्यादा पैसा कम है, मेरे अकाउंट में बहुत ही कम पैसे पड़े हुए हैं, मान लीजिए कि 5,000 रुपये ही हैं, ठीक है, तो 5,000 मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आएगा। अभी देखते हैं कि मार्केट अगर नीचे आएगा तो मान लीजिए कि मैं इनमें से मेरे पास 5,000 रुपये ही हैं, मैं सिर्फ एक लॉट बाय कर सकता हूँ, इसका मतलब 25 क्वांटिटी में मैं कौन सा वाला जाऊँ, 200 वाला, ठीक है, तो मैं बाय कर लूँगा, यानी मैं इनमें तो आ नहीं सकता, यानी मुझे किस में आना पड़ेगा, कोई 200 वाले में आना पड़ेगा, यानी मुझे कोई ये और भी नीचे आऊँ तो उसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे क्या करीबन करीबन ये रहा 188 या 200 वाला, ये 206, 5,000 रुपये है, तो मुझे ये बाय करना पड़ेगा 206 वाला। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 206 वाला बाय कर लिया। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ कि 206 वाला जब ये मार्केट बढ़ेगा या गिरेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो 206 वाला बाय करने के बाद यहाँ से, यहाँ पे मैंने मान लीजिए 206 वाला बाई किया, ठीक है, तो यहाँ तक जब मार्केट आएगा ना तो 206 वाला बढ़ेगा, नो डाउट बढ़ेगा, क्योंकि हमारे फेवर में गया है। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि उस तरीके से वो नहीं बढ़ पाएगा जिस तरीके से हमारे और भी प्रीमियम है बड़े बड़े, क्योंकि एक क्या होता है इसके अंदर प्रीमियम की टाइम वैल्यू भी होती है। टाइम वैल्यू मतलब अगर आज फ्राइडे है तो फ्राइडे वाले दिन कोई टाइम वैल्यू होती है उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि कोई ऑप्शन, जैसे कि मान लीजिए 300 रुपये वाला है, ठीक है, तो
तो उसके अंदर की 100 रुपये तो हो सकता है इसकी खुद की वैल्यू असली, ठीक है, लेकिन प्लस जो 200 रुपये हैं इसके ऊपर से, 300 रुपये जो है वो टाइम की वजह से हैं, टाइम की वजह से, ठीक है। तो हमें कुछ हमें खरीद इस चीज़ का ध्यान रखना है कि किसके अंदर टाइम की वैल्यू सबसे कम है, ठीक है। अगर टाइम की वैल्यू सबसे कम होगी किसी के अंदर, तो टाइम की वजह से कम घटेगा भी कम, ठीक है। क्योंकि अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ से तो फॉल कर गया, लेकिन मान लीजिए कि हमने यहीं बाय कर लिया होता, यहाँ की जगह हमने यहाँ बाय किया होता, तो यहाँ पे तो पहले इसने बहुत देर टाइम बिताया, बहुत देर टाइम बिताया, जब जाके यहाँ आके ये नीचे आया, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ कि डिफरेंस कितना किस किस में कितना होता है। देखिए आप बाय कर रहे हो कम पैसों में 200 वाला, लेकिन अगर मैं यही होता तो मैं एक स्मार्ट डिसीजन थोड़ा सा लेता, तो मैं हो सकता कि यहाँ पे अराउंड में 500 या 600 वाला बाय करता, ठीक है। मैं इन द मनी में चले जाता, डीप इन द मनी चले जाता। डीप इन द मनी क्या होते हैं ऑप्शंस, मैं ये समझता हूँ कि आप तो आउट ऑफ मनी और डीप इन द मनी और इन द मनी वो सारी चीज़ आप जानते हो, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं 600 वाले में चले जाता है, 700 वाले में या 500 वाले में, मैं इसमें जाना पसंद करता। और आपने मान लीजिए 200 वाला खरीद रखा है, ठीक है। मैं डिफरेंस दिखा देता हूँ कि कैसे यहाँ पे हम 200 वाला खरीदते हैं और 600 वाला खरीदते हैं, मैं दोनों का डिफरेंस बता देता हूँ, ठीक है। हमेशा हमें कौन सा प्रीमियम खरीदना चाहिए, इन द मनी या डीप इन द मनी, जब भी हम बाय कर रहे हैं स्टॉक को या ऑप्शंस को बैंक निफ्टी के अंदर, डीप इन द मनी या इन द मनी। मैं प्रेफर करता हूँ हमेशा डीप इन द मनी लेने के लिए, क्योंकि उसमें टाइम वैल्यू बहुत ही कम होती है, और जैसे जैसे मार्केट हमारी डायरेक्शन में मूव करता है तो बहुत तेजी से ही मूव करता है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये मूव करता है, देख लीजिए। अब स्टॉक्स में चलते हैं और वहाँ पर जाके देखते हैं अच्छे से कि उसके अंदर ये कैसे मूव किया हुआ है इसने, ठीक है। देखो अब ये हम आ गए हैं चेन के अंदर पुट्स, ठीक है। अभी हम क्योंकि ये प्रीमियम बाद में बढ़े होंगे, सिंपल सी बात है, तो 188 ये वाला देख लेते हैं, 290 वाला, ठीक है। इसके चार्ट को देख लेते हैं, अब 290 वाला ये रहा, आ गया, ठीक है। अब उसके चार्ट में देखते हैं, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे मान लीजिए हमने यहाँ बाई किया, ये कितना बज रहे हैं, 1:50, नीचे देखो यहाँ पे, ठीक है, 1:50 पे हमने मान लो पुट बाई करी, ठीक है। अब मैं दिखा देता हूँ इसमें 1:50 ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जो रेट चल रहा था वो साइड में देखो, ये यहाँ पे 350, ठीक है, मान लो हमने ये 350 पे बाई किया, 350 पर, ठीक है, ये हमने 350 पर बाई किया था, और ये एंड में आते आते यहाँ पे ये हमने देख रहे हो 350 पर बाई किया था, ठीक है, और ये कितने का हो गया, मार्केट नीचे आया, ये घटाई है, हम कौन सा देख रहे हैं, 24 फरवरी 350, ओ ये 1 मिनट 5 मिनट चार्ट है, सॉरी गाइज मैं थोड़ा बहुत ही गलत देख रहा था, यहाँ पे आ जाते हैं 1:50 यहाँ पे, ठीक है। तो ये अराउंड हमने 265 पे बाई किया था, ठीक है, मान लेते हैं कि हमने 265 पे बाई किया था, ठीक है, 265 ये 200 वाला है, ठीक है। लेकिन ये क्लोज होते वक्त तो देख लेते हैं कि इसने क्लोज कहाँ हुआ है, यहाँ, या फिर मान लीजिए कि हमको जो प्रॉफिट बुक करना था वो हमें यहाँ पे कहीं करना था, ठीक है। तो हमने ये प्रॉफिट बुक किया 265 से, यहाँ पे कितना मारा इसने, 360 पर, ठीक है। मैं जस्ट एक इमेजिन कर रहा हूँ कि हाँ ऐसा कुछ हुआ होगा, तो हमने 100 पॉइंट का प्रॉफिट बुक किया उसमें। अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा बड़े वाले में चलते हैं, मतलब बड़े प्रीमियम के अंदर कि उसमें क्या हुआ होता, ठीक है। ये तो हमने, ये क्या है, हम आउट ऑफ मनी चले गए, ठीक है, ये हम आउट ऑफ मनी चले गए, और आउट ऑफ मनी में क्या होता है, क्योंकि देखो मैंने बोला इन द मनी हम खरीदेंगे इन द मनी, लेकिन इन द मनी ये सारे हैं जहाँ पे स्पॉट अभी बैंक निफ्टी मान लो 37,500 चल रहा है, तो ऑलरेडी जो 37,500 के अंदर है, ठीक है, पुट क्या है ऑलरेडी 37,500, ये जो 37,600 वाला ऑलरेडी इन द मनी है ना इसके, क्योंकि ऑलरेडी 37,500 मार्केट चल रहा है, 37,700 से भी नीचे, तो सारे इन द मनी ये हैं। तो मान लो अगर हमने इन द मनी बाई किया होता, मैंने कहा था 500 600 वाला है 700 वाला, मान लो हमने ये बाई किया होता 700 वाला, ठीक है। अभी इसका चार्ट देख लेते हैं, ठीक है, 700 वाला हमने 1:50 पे यहाँ पे बाई किया होता, 600 पे मान लीजिए हमने 600 पे इसे बाई किया होता, ठीक है, इन द मनी को। ये हमारा OTM था, OTM, ये हमारा जो हमने बाई किया वो ITM है, और हमने ये किया था बाय कहाँ पर किया था, ये देख लेते हैं 1:50 पे, ये 600 पर, मान लीजिए 600 पर हमने बाई कर लिया इसे, ये हमने 600 पर बाई कर लिया, ठीक है।
अभी इसका प्रॉफिट हमने बुक कहाँ किया वो भी देख लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ से बुक कर रहे हैं 800 पे, ठीक है, हमने इसे 600 पर बाई किया, हम 800 पर बुक कर रहे हैं, ठीक है, और हमने वहाँ 265 पे बाई किया और हम वहाँ पे 360 पर बुक कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे भी अराउंड 100 पॉइंट का प्रॉफिट है और यहाँ पे 200 पॉइंट्स का प्रॉफिट है, ठीक है गाइज। बट अब देखो फर्क क्या आ रहा है, अब आप सोच रहे हो कि वो आधा भी तो है, डबल आधा प्रॉफिट है, सिंपल से ज्यादा ये डबल भी तो है, तो सिंपल सी बात है प्रॉफिट भी डबल है, ठीक है, फर्क है। बट एक चीज़ अब क्लियर करता हूँ कि फर्क हमें क्यों और कैसे नहीं लेना चाहिए, इन चीज़ों के अंदर उतना क्यों नहीं लेना चाहिए। चलो एंड वाला भी देख लेते हैं, एंड में देखो ये क्लोज कितने पे दिया है, 693 पर, जबकि हमने 600 पर बाई किया था तो 693 पर क्लोज दिया है, ठीक है। और उसको देख लेते हैं, अगर हमने होल्ड किया होता 200 वाले को, यही था तो हमारा कितना रुकता प्रीमियम, या कितना बचता, या कितना हम दे जाते, ठीक है। तो हमने ये 1:50 पे यहाँ पे कहीं लिया था 200 पर, ये दूसरा वाला है, सॉरी गाइस दूसरा देखते हैं, ठीक है, तो दूसरा वाला था हमारा 233 से भी नीचे वाला, ये तो ये वाला था हमारा, ये हमने दिया था 160, ये भी नहीं था क्या, 265 पे बाइंग थी, नहीं, दूसरा ही था यार, मैं तो और नीचे आ गया, ठीक है, कौन सा वाला हो सकता है इनमें से, ये हो सकता है 265 पे बाइंग वाला, हाँ यही था, ठीक है, 1:50 में ये रहा, हाँ ये वाला था, देखो 265 से 290 पर क्लोज दे दिया, ठीक है, यानी सिर्फ सिर्फ और सिर्फ 30 पॉइंट्स, मतलब उसने क्लोज दिया है अराउंड 90 पर, यानी सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखा जाए तो 25 पॉइंट दूरी, लेकिन इसने 700 पर क्लोज दिया है, ठीक है, तो 100 पॉइंट। अब आपको फर्क थोड़ा बहुत पता चला होगा, ठीक है, फर्क अब पता चला या नहीं पता चला, देखो अगर ये होल्ड करने वाली बात है सारी की सारी, कि ये 265 वाला हमने लिया था, 360 का हाई मारा, लेकिन 290 पर ही ये इसने क्लोज दिया है, ठीक है, लेकिन 600 वाला हमने जो लिया था वो 800 का हाई मार के 700 पर क्लोज दे रहा है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो प्रीमियम 700 पर क्लोज दिया है, लेकिन इसने क्लोज दे दिया सिर्फ 25 पॉइंट ऊपर। अगर भाई डबल की बात है, अगर डबल की बात है तो भाई इसे तो इसने 100 पॉइंट घट के प्रीमियम बंद किया, तो इस एटलीस्ट इसको ये 100 पॉइंट अगर दे रहा था तो एटलीस्ट यार 25 पॉइंट ऊपर ही से क्लोजिंग देनी चाहिए थी, 290 की जगह 2315 पे क्लोजिंग देता, ठीक है, अब ये फर्क देख रहे हो आप बिल्कुल फर्क देख पा रहे हो या नहीं देख पा रहे, ठीक है, थोड़ा और क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा आपको, मैं उसमें क्लियर कर देता हूँ कि क्या फर्क होता है। हमने जो प्रीमियम इन द आउट ऑफ मनी खरीदा था OTM, उसमें क्या था कि 265 पर हमने लिया, उसने हाई मार दिया 100 पॉइंट ऊपर 360 का, और उसने जो क्लोज दिया दिन के एंड में जो क्लोज दिया वो 290 का दिया, ठीक है, लेकिन हमने ITM लिया था, ITM वो डीप इन द मनी थे नहीं था, नॉर्मल ITM था, 600 पे लिया हमने, 800 का उसने हाई मार दिया सेम डे, क्लोज जो उसने दे दिया वो दे दिया हमें 700 का, ठीक है, अब ये देखो इसने जो क्लोज दिया है वो सिर्फ और सिर्फ 25 पॉइंट दूर है, इसने जो क्लोज दिया है वो 100 पॉइंट दूर है, मतलब फर्क क्या हुआ, ये टाइम की वजह से खत्म हो गया प्रीमियम इसका, ठीक है, टाइम की वजह से, टाइम इसमें सिर्फ 25 पॉइंट ही दिए, मार्केट जबकि नीचे आया लेकिन इसने 100 पॉइंट दिए हमें, ठीक है, अब यही फर्क देख लो, जबकि यहां तक तो सेम था ऑलमोस्ट, बढ़ते वक्त तो 100 पॉइंट दिए थे इसने, इसने 200 दिए थे, लेकिन यार टाइम थोड़ा सा मार्केट ने ओवर होल्ड किया तो वो ज्यादा पॉइंट खा गया जबकि ये कम खाया, और मार्केट में हम आए क्यों हैं, मतलब हम ट्रेडिंग जब हम कर रहे हैं तो क्या सोच के कर रहे हैं, किस माइंडसेट के साथ कर रहे हैं, कि हम क्या कर रहे हैं उसे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जैसे मान लीजिए मार्केट में हम आए हैं तो क्या कर रहे हैं, हम क्यों आए हैं, हम इसलिए आए हैं क्योंकि इसका जो प्रीमियम है, ठीक है, ये अगर मैंने ये सोचा कि मेरी ट्रेड यहाँ पे बन रही है, ये यहाँ पे बन रही है, ठीक है, मैं मान लो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मेरी ट्रेड नीचे की बन रही है, तो मैं यही तो चाहूंगा कि भाई मेरी मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाहिए, मैं ऊपर के लिए तो नहीं एक्सपेक्ट करूंगा, और ऊपर मैं लॉस खा के सिंपल सी बात है निकलना चाहूंगा, तो यार हम जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेने आए हैं तो हमें उस डायरेक्शन में ले जाना है मार्केट को, और अपोजिट में निकलना है, तो सिंपल सी बात है यार,
600 वाला ज़्यादा पड़ेगा उस छोटी वाली से भी ज़्यादा, उसमें 200 पॉइंट हमें मिल रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से टाइम डिके भी कम हो रहा है। हाँ थोड़ा सा इसमें एसएल ज़्यादा रखना पड़ सकता है, उस 200 वाली में हमें 30 पॉइंट का रखना पड़ सकता है, इसमें हो सकता है हमें 50 पॉइंट का मिनिमम रखना पड़े, ठीक है, बट कोई बात नहीं, एसएल उसमें भी जाएगा, एसएल इसमें भी जाएगा। लेकिन आप सोचो ना, आपको इसमें 20 पॉइंट के बदले आपको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड देखो यार क्या है, ठीक है, आपको उसमें इसमें 20 पॉइंट देने पड़ रहे हैं हमें एक्स्ट्रा, और मिल 100 पॉइंट रहे हैं, 100 पॉइंट एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है, और इन अपोजिट में अगर लॉस हो रहा है तो 20 ही पॉइंट का हो रहा है, एक्स्ट्रा हो रहा है, वो मैं मानता हूँ, ठीक है, वो आपको थोड़ा सा, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो आगे जाके प्रॉफिटेबल ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि हमें हमेशा 1:2 में ही काम करना है ऑप्शंस के अंदर। अगर मान लो यहाँ पे कोई ट्रेड इनिशिएट हो रहा है 37,800, ठीक है, पहली बात मैं मान लूँ कि क्योंकि हर कोई पकड़ नहीं पाता कि यहीं पे ट्रेड इनिशिएट होगा, मैंने तो उस दिन किया था, फ्राइडे वाला दिन यहीं पे किया था एग्जैक्टली, मुझे प्रॉफिट भी आया, बट मान लो कि हम नहीं कर पाते हैं पे ट्रेड एग्जीक्यूट, हमें लग रहा है ये सपोर्ट जोन था, ठीक है, ये यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है, और ये यहाँ से इसने नेक लाइन को तोड़ा, ठीक है, अब मैं यहाँ एग्जीक्यूट करूँगा अपने ट्रेड को, चलो ठीक है, हमने यहीं एग्जीक्यूट किया, ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जीक्यूट कर दिया, और इसका ऐसा हम कहाँ रखेंगे, यहीं पर तो रखेंगे, इस कैंडल को कवर कर दे अगर ये, तो हम निकल जाएंगे, तो हमारा एसएल जो हो गया यहाँ से अराउंड 80 से 60, 80 पॉइंट का एसएल हो गया, 80 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर 80 पॉइंट का एसएल है, उसमें आप ऑप्शन में देख के लगाओ कि यहाँ पे हाई कितना था, वहीं आप निकल जाओगे, ठीक है, लो कितना था पुट का, और उससे डबल का हम टारगेट रख देंगे, ठीक है, डबल का टारगेट वो यहीं कहीं आएगा, यहाँ पे कहीं अचीव होगा, वो हमारा अचीव हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो कि छोटा वाला, अब आप और छोटे में चले जाओगे ना तो उसको और मेहनत करनी पड़ेगी, और हो सकता है कोई प्रॉफिट ही ना मिले, यहां से लेके आप यहां तक पूरा वेट करो और आपको कोई प्रॉफिट ही ना मिले, और छोटे वाले में चले जाओगे, मैं दिखा देता हूँ कि किस तरीके से लॉस होते हैं, ठीक है, तो हमेशा इन द मनी में आना है, इन द मनी में ट्रेड करना है, मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर, अगर हम और छोटे में जाते तो हमारा क्या हालत होती, मान लीजिए मैं 200 से के 200 की जगह हम 100 वाले में चले जाते, ठीक है, हम इसमें आ जाते, ये 119 वाला है ना, हम इसमें आ जाते, ठीक है, हमारे पास, हम कम पैसों में ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में ना लोग ये सोचते हैं कि कम पैसे तो लगाने हैं, प्रॉफिट बहुत होगा, भाई होता है प्रॉफिट बहुत होता है, लेकिन यार हमेशा रीजनेबल ट्रेड लेनी है, ठीक है, और रीजनेबल ट्रेड लेने के बाद ही हमें प्रॉफिट हो सकता है। 1:50, ठीक है, 1:50 पर हमने एग्जीक्यूट करा ट्रेड को, यहाँ पे दिख नहीं रहा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर दूँ, 1:50 पर हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया, और वो 100 पे, मान लो हमने 100 पे इसे खरीदा, ठीक है, 100 पर, तो ये देख रहे हो कहाँ तक गया है, ये 100 से ये हमारा गया है 150 तक, 50 पॉइंट हमने लिए हैं इसमें, ठीक है, 50 पॉइंट लिए, हाँ नो डाउट बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है कि 50 पॉइंट का प्रॉफिट आया है, ठीक है, ये लेकिन एकदम से हमें मोमेंटम मिला इस वजह से। लेकिन आप देखो अगर आप एंड रिजल्ट देखा जाए, कि मान लो हम क्योंकि बैठे रहते हैं कि प्रॉफिट और लंबा बुक करना है या ठीक है, ठीक है, तो मान लीजिए हमने होल्ड किया एंड तक, तो 1:50 पर जो हमने 100 पर लिया था, एंड देखो उस पर कहाँ हुआ है, 111 पर, मतलब सिर्फ 10 पॉइंट, 10 से 11 पॉइंट, मतलब ये कोई रीजनेबल ट्रेड नहीं, और जहाँ हमने 600 पे ट्रेड लिया था वो 700 पे क्लोज हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हमें छोटे प्रीमियम्स में कभी भी एंट्री नहीं लेनी चाहिए ऑप्शन बाइंग करते वक्त, एक अच्छे प्रॉफिट के लिए एक इन द मनी में जाओ, उसमें प्रीमियम डीके बहुत ही कम होगा और हमें अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, तो इसलिए हमें इन द मनी में हमेशा बाय करना चाहिए आउट ऑफ मनी की जगह, ठीक है, और शॉर्ट, ये तो चलो मैंने बाइंग की बात की, अगर शॉर्ट हम कर रहे हैं तो शॉर्ट में भी हमें ना डीप इन द मनी जाना है, क्योंकि उसमें प्रीमियम नहीं होगा, सेलर के लिए बात अलग है, क्योंकि सेलिंग के केस में हमें थोड़ा सा अलग जाना पड़ता है, सेलिंग में क्या है, हमें थोड़ा सा प्रीमियम भी चाहिए होता है, ठीक है, हम इसलिए सेल करते हैं क्योंकि मान लो अगर मार्केट होल्ड कर जाए, मतलब मैंने यहाँ शॉर्ट किया या यहाँ शॉर्ट किया, तो मैं ये चाहता हूँ कि या तो मार्केट यहीं रह जाए या तो इससे नीचे आ जाए, मैंने मान लो कॉल शॉर्ट कर दिया, तो मेरे लिए बेस्ट कंडीशन होगी, मान लो मैंने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट किया तो मुझे यहाँ तक प्रॉफिट हो सकता है, बाइंग में कुछ ना मिले, लेकिन कॉल को अगर मैंने यहाँ पे 500 रुपये में शॉर्ट किया होगा, मैं एट द मनी की बात करूँ, इन द मनी में नहीं जाना है हमें कभी भी, हमें एट द मनी रहना है, ठीक है, मतलब जहाँ मार्केट चल रहा है हम वही शॉर्ट कर सकते हैं, मतलब 37,800 चल रहा है तो हमें यही बेस्ट है ऑप्शन शॉर्ट करना कि हम इसे शॉर्ट करें, ठीक है, तो इसे मान लो 500 पे शॉर्ट किया, तो यहाँ पर आते आते ये 500 नहीं रहेगा, ये हो सकता है 480 ही रह जाए, ठीक है, तो हमें 20 रुपीज़ तो यही मिल गए, और अगर ये नीचे आना शुरू हुआ तो भाई सोने पे सुहागा, प्रीमियम अलग घटेगा और ऊपर से मार्केट हमारे डायरेक्शन में और जा रहा है,
तो इसलिए हमें ऐट द मनी तो सेलर को करना चाहिए हमेशा, ऐट द मनी, ठीक है, सेल करते वक्त अगर आप कर रहे हैं तो ऐट द मनी करेंगे। मैं नेकेड की बात कर रहा हूँ, अभी नेकेड की बात करो, मैं हेजिंग की बात नहीं कर रहा। हेजिंग के मैं जब वीडियो बनाऊंगा तब उस पर थोड़ी सी अलग स्ट्रेटजी हो जाती है, ठीक है। नेकेड अगर हम शॉर्ट कर रहे हैं तो एटीएम बाय करेंगे, जबकि अगर हम बाय कर रहे हैं किसी भी ऑप्शन को तो या आईटीएम बाय करेंगे या DITM, DITM का मतलब है डीप इन द मनी बाय करेंगे। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन लेंगे, आउट ऑफ मनी को हम नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर आपके अकाउंट में बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि यार ठीक है बहुत ही कम पैसा, मुझे इसी में मैनेज करना पड़ेगा, तो जरूर आप करिए, क्योंकि अब पैसा ही नहीं है, कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है, तो उस केस में हमें OTM करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा सा ही पैसा है, अगर हम 500-600 वाली को बाय कर सकते हैं तो उन्हीं में बाय करिए गाइस, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें प्रीमियम कम घटेगा। लेकिन अगर आप OTM करेंगे तो उसमें थोड़ा सा रिस्क है, अगर मार्केट साइडवेज हो गया तो उसमें कुछ नहीं मिलने वाला सिवाय आपके लॉस के, तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि हमें हमेशा ITM ही बाय करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हुई होंगी इस वाली वीडियो के अंदर, और आगे भी जो भी वीडियो आपको चाहिए हो तो गाइज़ कमेंट मार सकते हैं। और गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।